हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईज, नोज और लिप्स को शेड करके दिखाया बॉल पेन का यूज करके। इस वीडियो में कंप्लीट फेस पे किस तरह से आप हैचिंग कर सकते हैं बॉल पेन का यूज करके, वो बताऊंगा। सो अभी मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर से हैचिंग कर रहा हूँ इस साइड। ये वीडियो रियल टाइम में नहीं है, रियल टाइम में मुझे एक घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा था, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से फेस पे आप हैचिंग कर सकते हैं। जो भी मेन चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी आपको ऑब्जर्व करना है, बाकी आपको ड्रॉ करना है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। शेड करते वक्त यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया, तो मैं इसको थोड़ा डार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको बिल्कुल केयरफुली शेडिंग करनी है, अगर आपको हैचिंग करनी है तो बिल्कुल केयरफुली करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बीच में फिर इस तरह से स्पॉट से दिखेंगे। यहाँ पे भी मैं सिंपली लाइन से ऑप्ट कर रहा हूँ इस तरह से। ये जो मैं इस तरह की लाइंस लगा रहा हूँ, इन्हीं को हम हैचिंग बोलते हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको कंट्रोल पाना है। अगर आप इन पे कंट्रोल पा गए, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कहाँ पे किस तरह से आपको लाइट टू डार्क हैचिंग करनी है, तो आप काफ़ी अच्छे से किसी भी पेन का यूज़ करके, काफ़ी अच्छे से कोई भी पोर्ट्रेट या फिर कोई भी पेन का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। इसके लिए आप लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स वगैरह को ड्रॉ करके देख सकते हैं लाइन से। और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से शेडिंग करनी है, हॉरिजॉन्टली करनी है, वर्टिकली करनी है, तो आप पेपर को मूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिससे आपसे काफ़ी अच्छे से हैचिंग हो पाएगी, शेडिंग हो पाएगी। यूजुअली आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मैं पेपर का मूव कम ही करता हूँ, क्योंकि वो फिर वीडियो में अच्छा नहीं लगता। अगर आप देखोगे मैं पेपर को मूव कर रहा हूँ, फिर शेडिंग कर रहा हूँ, फिर हैचिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता, तो वीडियो के लिए मैं नहीं करता हूँ। बट अदरवाइज मुझे कोई कमीशन वर्क करना हो या फिर कोई रफली ड्रॉ करना हो, तो पेपर को मूव करके भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉइंग में हैचिंग या फिर शेडिंग करता हूँ। पेपर को मूव करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है शेडिंग और हैचिंग में, तो आप कर सकते हैं।
सो गाइस फेस पे शेड मैंने कर लिया है कंप्लीट, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप इसी तरह से बॉल पेन का यूज करके कर सकते हैं, और मैंने इसकी 3 वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है, आई की, नोज की और लिप्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं। नोज वाली देख सकते हैं, नोज वाली मैंने आपको बता रखा है बिल्कुल रियल टाइम में कि किस तरह से आप हैचिंग कर सकते हैं। अब बस इसी तरह से मैं ईयर में और बाकी पार्ट्स में हैचिंग कर लूंगा, और हेयर में भी कर लूंगा। हेयर पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आप बॉल पेन का यूज करके रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप इन 212 से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसके प्रीवियस पार्ट आप देख सकते हैं आईज, नोज और लिप्स के, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। सो गाइज विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।